सभी साथियों को मेरा आदाब। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पे लाइव आया हूँ। कल मैंने पार्लियामेंट के सेशन में जो बिदूड़ी जी ने अपनी मानसिकता जाहिर करी दानिश अली साहब के लिए, वो बेताशा निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार सांसद अगर इस तरह की बात करेंगे तो मेरे समझ नहीं आता कि बाकी लोगों का क्या हाल होगा। लेकिन यह भी तय है कि जिस तरह की बात बिदूड़ी जी ने करी उससे बजाहिरा यह होता है कि बीजेपी की मानसिकता क्या है। हम लोग भी राजनीति करते हैं और इससे ज्यादा अफसोस की कोई बात नहीं हो सकती कि राजनीति के अंदर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी इस भाषा का इस्तेमाल करे। और देखिए, हम लोग तो कह ही रहे हैं कि डेमोक्रेसी की और संविधान की हत्या करना सिंगल पॉइंट एजेंडा है बीजेपी का। आप देख लीजिएगा, कोई और अगर पार्लियामेंट का मेंबर इस तरह का भाषा या इस तरह की हरकत करने का काम करता तो उसे फौरन सस्पेंड कर दिया जाता। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं। उम्मीद करते हैं कि आज दूसरा दिन है, कोई कार्रवाई होगी, कोई ना कोई एक्शन तो जरूर होना चाहिए। अगर इस तरह ऐसी हरकतों को जाने दिया जाएगा फिर तो देश के अंदर दंगे बहुत दूर नहीं है। और मैं तो अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, और निरंतर हम लोग इस बात को कहते आ रहे हैं कि हमारा काम तो नफरत को मारना है और नफरत को मोहब्बत से मारा जाएगा। मैं अपने तमाम सोशल मीडिया के साथियों से भी कहूंगा कि आप लोग जो भी पैगाम दें वो नफरत भरा दें, मोहब्बत भरा दें, नफरत भरा ना दें। अगर हम भी नफरत की बात करेंगे तो हमारे में और बीजेपी वालों में कोई फर्क नहीं रहेगा। दूसरा, मैं बीजेपी के लोगों से भी कहूंगा कि देखिए, इस देश की गंगा जमनी तहजीब इस देश की सबसे बड़ी बुनियाद है। अगर आप उसे मार देंगे तो यकीनन इस हिंदुस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करूंगा कि तमाम लोग जिन्हें मेरी बात समझ में आई होगी, जो बीजेपी का साथ देते हों या वोट देते हों, वो इन चीजों से अपनी आंखें खोलेंगे, जागरूक होंगे। आपको, हमें सबको मिलकर इस देश को बचाना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट के चलते हुए सेशन में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन रिकॉर्ड ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल कर सकता है तो मेरे समझ नहीं आता कि इससे खराब और क्या चीज हो सकती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।